बीते दिनों रंगपंचमी के दिन माता जानकी के करीला मंदिर में लगने वाले राई मेले में ड्यूटी के दौरान एक आदिवासी महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने चनेरी के पटवारी आशीष जैन पर छेड़खानी का आरोप लगाया था। इसके बाद उसने बहादुरपुर थाने में अपना आवेदन दिया, जहां FIR दर्ज नहीं हुई तो अशोकनगर के महिला थाने में उसने FIR दर्ज कराई थी। अशोकनगर जिले के पटवारियों ने इस मामले को पूरी तरह से गलत बताया है और पटवारी को फंसाने का आरोप लगाया है। पहले चंदेरी में और इसके बाद आज जिला मुख्यालय पर पटवारियों ने इस मामले को लेकर एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा है। उन्होंने मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए, क्योंकि उनके पटवारी साथी को झूठा फंसाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ज्ञापन के अलावा एक बड़ा मामला ये भी बताया है कि अगर मांगें पूरी नहीं हुई और इस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो पटवारी हड़ताल पर चले जाएंगे। उन्होंने आज से ही बस्ता जमा कर जिले भर में कलमबंद हड़ताल की घोषणा कर दी है। पटवारी संघ के अध्यक्ष बलबीर सिंह का कहना है कि जिस दिन बहादुरपुर थाने में ये महिला थी, वहां पटवारी आशीष जैन था, मगर शनाख्त और पहचान के दौरान उसे नहीं पहचान पाई थी। इससे लगता है कि ये महिला झूठ बोल रही है और किसी साजिश के तहत इसे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी आधार पर उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस और प्रशासन दोनों को ही आवेदन दिया है। उल्लेखनीय है कि आज जिले भर के पटवारी, जिनमें महिला पटवारी भी शामिल थीं, एक आंदोलन के रूप में जिला मुख्यालय पहुंचे, कलेक्ट्रेट के सामने काफी देर तक नारेबाजी की, धरना प्रदर्शन किया और पटवारी के पक्ष में अपने ज्ञापन दिया। उनका कहना है कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो ये आंदोलन उग्र भी होगा और प्रदेश स्तर पर इस मामले को उठाया जाएगा। जो करीला मेला का जो प्रकरण चल रहा है, उस प्रकरण के संदर्भ में हमने जांच की मांग पहले भी ज्ञापन देके किए, व्यक्तिगत रूप से कलेक्टर मैडम से भी हम लोगों ने मिलकर वो उसकी जांच की मांग की है हम लोगों ने, और कल भी सभी तहसीलों से हमारे पटवारी संघ द्वारा मांग की गई है, क्योंकि जिस पटवारी पर FIR कराई गई है वह पूरी विद्वेषपूर्ण और षड्यंत्र के तहत कराई गई है, तो उसकी निष्पक्ष जाँच की हम लोगों ने मांग की है। जी बिल्कुल पूरा राजनीतिक षड्यंत्र है, कुछ लोगों के संरक्षण में बिल्कुल वाकायदा एक षड्यंत्र के पूर्वक, चाहे तो मतलब पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता हैं उन लोगों को गुमराह किया गया हो या उनका इन्वॉल्वमेंट रहा हो उस चीज़ में, तो उनके द्वारा दबाव देकर के बिल्कुल वाकायदा वो FIR कराई गई है। जबकि वह तो वहाँ महिला पूरी तरह स्वीकार कर चुकी थी, हमने पटवारियों की शिनाख्त भी कराई थी, हमारे कमरे के 40 पटवारी थे वहाँ, 40 पटवारियों को दो दो बार चेहरे दिखा करके शिनाख्त कराई गई, महिला ने खुद लिख के दिया वहाँ। हाँ, महिला ने वो शिनाख्त की थी, वो वीडियो उस समय का है बहादुरपुर थाने का, उसमें महिला ने शिनाख्त की थी उसमें पटवारियों की, हाँ पटवारी को बिल्कुल नहीं पहचान पाई थी, हाँ बिल्कुल पटवारी थे, और बाद में उनकी जो जिलाध्यक्ष थी क्या कहते हैं सुनीता विश्वकर्मा, तो उनको वो बताया गया, उन्होंने उसका फोटो भी खींचा था वहाँ। हाँ हम लोग हड़ताल पे हैं बिल्कुल, जब तक यानी कि ये विधिवत जांच नहीं होती, निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती, तब तक हम लोग बस से बंद करें पूरे जिले के, इसके बाद में पूरे प्रदेश में कराएंगे हम लोग। आज से हम कोई काम नहीं करेंगे बिल्कुल टोटल। अगर इसके बाद भी आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो फिर क्या करेंगे? तो जब तक चलेगा हम हड़ताल पर रहेंगे बिल्कुल, कोई काम नहीं करेगा बिल्कुल। आशीष जैन पर जो मामला दर्ज हुआ उसको जो है गलत बता रहे हैं और मांग की है कि इसमें कार्रवाई की जाए। हाँ, पटवारी संगठन ने ज्ञापन दिया है और कि उसके उसको गलत फंसाया गया है, इस समय हमारी विवेचना चल रही है, अपराध उसमें दर्ज है, विवेचना चल रही है, जो भी साक्ष्य उसमें आएंगे उस साक्ष के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर वो जांच की मांग कर रहे हैं और उन्होंने कलमबंद हड़ताल भी कर दी आज से, अगर ये जल्दी उसको नहीं निकाल, नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि हम जांच विवेचना में जो तथ्य आएंगे उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर उसका एक वीडियो भी सामने आ रहा है जिसमें शिनाख्त करा रहे हैं बहादुरपुर थाने में महिला की, उसमें वहाँ पटवारी खड़ा हुआ और महिला उसको पहचान नहीं पा रही। मैं ये नहीं देखा, मेरे समझ नहीं आया।